परशुराम जयंती और सौभाग्य से इसी दिन बड़े अक्षय तृतीया के अवसर पर महानगर के अलग अलग ज्वेलरी की दुकानों में लोगों ने जमकर खरीदारियां की। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन खरीदारी करने से आप जो भी चीजें खरीदेंगे वो हमेशा के लिए आपके पास अक्षय निधि के रूप में संचित हो जाएगी। कुछ ऐसी ही मान्यताओं के साथ लोगों ने ज्वेलरी की दुकानों पर खरीदारियां की, जिसमें स्वाभाविक रूप से महिलाएं ही ज्यादा नजर आईं। कम या ज्यादा, थोड़ा या बड़ा, सभी ने कुछ ना कुछ आज के दिन सोने या चांदी के रूप में जरूर खरीदा। ऐसी मान्यता है कि आज ही के दिन भगवान श्री राम और सीता का विवाह भी हुआ था, और अगर आज ही के दिन दान पुण्य भी किया जाए तो उसका भी व्यक्ति पर बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अक्षय तृतीया के अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करती हुई और खरीदारी करते आई कुछ महिलाओं ने इसके बारे में इस तरह बताया। अक्षय तृतीया के दिन इसका ये महत्व है कि इस दिन किया गया दान पुण्य या जो भी अच्छे कर्म हम करते हैं हमें अक्षय अच्छा नहीं होता। आभूषणों की खरीद में क्या इसका होता है? आभूषणों के खरीद में आज का दिन का क्या? आभूषणों के खरीद में ये है कि जो भी हम आभूषण खरीदते हैं उसका भी क्षय नहीं होता है, अक्षय माना जाता है। हमारे हिंदू समाज में इसका जो है ये माना जाता है कि यहाँ कोई भी शुभ काम बात करते हैं और उस दिन जो है सीता राम की शादी हुई थी इसको लेकर कहीं बात पे चलते हैं तो किसी ब्राह्मण से कोई कोई भी मुहूर्त नहीं दिखाया था, इसमें कोई भी शुभ काम हम बात कर सकते हैं उन्हीं कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग यहाँ हैं कि बात कर रहे हैं और गाने की खरीद के लिए बढ़िया माना जाता है। यही जो भी चीज़ लेते हैं वो हमेशा के लिए रहता है, इटर्नल होता है, तो लॉस नहीं होता है, मतलब लाइफ टाइम के लिए होता है। इस टाइम के लिए जो भी चीज़ भी लेते हैं लॉस से बचने के लिए भी लेते हैं और एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद कुछ खरीद भी जाते हैं, कुछ हम लोग अर्न भी कर लेते हैं, इसलिए बहुत दो साइड से इसका बेनिफिट है। इसलिए ज़्यादातर लेडीज इस टाइम को रंग कमाती नहीं है, यूज़ करती है। उधर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए शहर के प्रतिष्ठित स्वर्णकार अतुल शर्राफ ने बात की। उन्होंने भी कहा कि इस मौके पर उनको उम्मीद से भी ज़्यादा रिस्पांस मिला है और ऐसा उनके कुछ विशेष ऑफरों के नाते हुआ है। इस संदर्भ में आगे उन्होंने बताया। ये दिन आज का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और विशेष करके अब की बार जो मुहूर्त है ये मुहूर्त कई सालों बाद आया है, 11 साल बाद, और विशेष बात यह है कि अब की बार पूरा दिन अच्छा दिन है और इसका रुझान भी बहुत अच्छा दिखा है। पिछले 10 दिनों से कस्टमर्स का रुझान रहा है, ये लोगों ने आज के लिए सामान पसंद किया, बुक किया, उसके किनारे रखा है कि इसको आज ले जाएंगे, और जैसा आज आप देख रहे हैं लोगों में काफ़ी उत्साह है। दुकानदारी में गर्माहट है, बिल्कुल बहुत अच्छी है। हम लोगों की उम्मीद है कि पिछले साल से कम से 30% ग्रोथ आनी चाहिए।